हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी सिर्फ चावल और दाल से एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं। इसे फरा कहते हैं, यूपी बिहार की तो ये फेवरेट नाश्ता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरे फरा की रेसिपी कैसी लगी। मैंने यहाँ पे एक कटोरी चने की दाल ली हुई है, तो इसे मैं 2 से 3 पानी से धोऊंगी और उसके बाद इसे 2-3 घंटे के लिए भिगा के रख दूंगी ताकि ये फूल के जस्ट डबल हो जाए। मैंने इसे धो के इस तरीके से पूरा ऊपर तक पानी भर के रख दिया है। अब ये पूरा अच्छे से फूल के ऊपर तक आ जाए। इसके बाद हम इसका पानी छान देंगे और इसे फिर मिक्सी में डाल के पीसेंगे। फ्रेंड देखिए, हमारी दाल अच्छे से भीग गई है, तो मैंने उसे ऐसे स्टैंडर में निकाल के छान लिया है। अब इसमें मैंने डालने के लिए एक अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, देखिए इतना बड़ा अदरक है, 8-10 कलियां लहसुन की है और 3 से 4 हरी मिर्च है। तो इन सबको हम अब एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पीसते जाना है और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। इसका जो पेस्ट बनेगा वो गाढ़ा ही बनेगा, पतला नहीं बनेगा। अदरक के टुकड़े को मैं इसमें काट देती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, नहीं तो ये पीसने में टाइम लगेगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमको इसको पीसते जाना है और पानी की जैसे जरूरत लगेगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, एक साथ भर के पानी नहीं डालेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है, ये देखिए ना तो एकदम पतला है ना ही एकदम गाढ़ा है। तो अब मैं इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लूंगी। पेस्ट यदि पतला रहेगा तो फिर वो अच्छे से स्टफ नहीं होएगा, इसलिए हमें इसे इतना थिक ही ऐसे रखना है। तो मैं इसे निकाल लूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, तो मैं इसमें एक मसाले वाला छोटा चम्मच हल्दी का डालूंगी। हरी मिर्च हमने ऑलरेडी पीसी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोटा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें खड़ा जीरा डालूंगी, आधा चम्मच के करीब हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन सब चीजों को आप एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि नमक है मसाला है वो सब दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने यहाँ पे 4 कटोरी चावल का आटा लिया है। इसके लिए हमें नए चावल के ही आटे का यूज करना है क्योंकि पुराने चावल के आटे से अच्छे से बनता नहीं है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। अब मैं इसमें भी नमक डालूंगी। आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है उसी हिसाब से आप 2 कटोरी 1 कटोरी जैसा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी और इसे हम हल्के कुनकुने पानी से सानेंगे। जैसे हम आटा सानते हैं उसी तरीके से हम इसका डो तैयार करेंगे। तो सारे मसालों को ऐसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा जैसा गूंथ लेंगे। पानी कुनकुना ही रखिएगा तो उससे अच्छे से आटा सनता है। फ्रेंड देखिए, इस तरीके से इसका आटा तैयार कर लेना है। ना ये बहुत कड़ा रहेगा ना एकदम गीला रहेगा, इजिली जो हम बेल सके वैसे ही रहेगा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, लेकिन गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने पानी डाल दिया है। फ्रेंड देखिए, इस तरीके से इसका आटा तैयार कर लेना है। ना ये बहुत कड़ा रहेगा ना एकदम गीला रहेगा, इजिली जो हम बेल सके वैसे ही रहेगा। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, लेकिन गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने पानी डाल दिया। अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। अभी मैं इसको धीरे ही कर देती हूँ क्योंकि अभी हमें बेलने में टाइम लगेगा, तो गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देती हूँ। इसके ऊपर रखने के लिए मैंने एक ऐसे स्टीमर लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको ग्रीस करूंगी और फिर इसके ऊपर हम अपने फरे बना के रखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सूखा चावल का आटा लिया है, तो जो हमने आटा साना है इसमें से हम ऐसे थोड़ी बड़े साइज की लोई तोड़ेंगे।
जैसे एक बड़ी सी रोटी बेलते हैं उसी तरीके का हम इसको बेलेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सूखा आटा लगा ले रही हूँ और इसको एकदम हल्के हाथ से हमको बेलना है। चावल का आटा है इसलिए साइड से फटता ही है, लेकिन हमें साइड का तो यूज करना नहीं है। तो इसकी एक बड़े साइज की रोटी जैसा बना लेंगे, पर एकदम पतली नहीं रहेगी, रोटी मोटी ही रहेगी। इस तरीके से इसको बेल लेना है। मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली हुई है, तो इस कटोरी को रख के हम इसको ऐसे राउंड शेप में काट लेंगे। आप छोटी बड़ी जैसी भी कटोरी चाहे तो ले सकते हैं। इस तरीके का देखिए इसको काट लेना, इतना ही ऐसे मोटा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, जो हमने दाल को पीसा हुआ है उसको ऐसे भरेंगे और ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम बना के पहले रख लेंगे। थोड़ा इसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए आप जब 8-10 बना लीजिए तो उसके बाद फिर एक साथ आप सेकिए, क्योंकि एक एक करके तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फ्रेंड देखिए मैंने इसी तरीके से इतने सारे परे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके स्टीमर में रखेंगे। हमने पानी गर्म होने के लिए रखा था, वो गर्म हो चुका है, तो अब मैं एक एक करके इसमें सारे फरे को रख दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे फरे इसमें रख दिए हैं। आपके एक बार में जितने फरे आए आप उतना ही रखिए। अब हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेट या थाली की हेल्प से इसको ऐसे ढक देंगे और इसको 15 से 20 मिनट हम इसको स्टीम में पकने देंगे। पकने के बाद आप देखेंगे तो जो ऊपर का चावल के आटे का खोल है वो थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, तो उस समय हम फिर गैस बंद कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड देखिए 25 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे फरे अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब गैस बंद कर दूंगी मैं और इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसको 2 पीस या 3 पीस जैसा भी आप साइज चाहते हैं तो उस हिसाब से हम इसको काट लेंगे। उसके बाद हम इसको फिर फ्राई करेंगे। देखिए मैंने सारे फरे को प्लेट में पलट लिया है। अब मैं इसको, ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, इसको मैं 3 पीस में ऐसे कट करूंगी। आपको बड़ा खाना है तो आप 2 पीस में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए पकने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है, तो बिल्कुल भी टूटता या फैलता नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको पूरा काट लिया है। इस तरीके के ऐसे इतने बड़े बड़े पीसेस के करने हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब इसमें मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी, बहुत ज्यादा तेल इसमें नहीं लगता है, बहुत ही कम तेल में ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता में बोलिए या शाम के स्नैक्स में बोलिए बन के तैयार हो जाता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो अब इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। मैं इसमें 1 खड़ी लाल मिर्च है वो डालूंगी, 1/2 छोटा चम्मच मस्टर्ड है, काली राई, और 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तिल जरूर डालिए, तिल से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इन सबको थोड़ा सा हम भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कड़ी लीव ली हुई है तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। देखिए सारा तड़का जो हमने डाला था सब अच्छे से लाल हो गया है, तो अब मैं इसी में थोड़ा सा 1 छोटा मसाले वाला चम्मच हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपने ये फरे डालेंगे जो हमने कट करके रखे हुए थे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी हमने इसमें फोरन डाला है वो सब अच्छे से इसमें लिपट जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा
चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आधा चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि जितना भी मसाला है उसका जो सब रस है वो अच्छे से इसमें सोक हो जाए। तो मैं इसको ढक देती हूँ, 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे स्टीम में पकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, मैं इसको खोलूंगी और वापस इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये अच्छा कुरकुरा हो जाता है, मिक्स करने से क्या है दोनों साइड ही अच्छे से सिकता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालूंगी, वापस ढक के हम इसको 2 मिनट के लिए और स्टीम होने देंगे ताकि ये थोड़ा सा और लाल हो जाए। ढक देती हूँ और 2 मिनट और इसको सिकने देती हूँ। फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो गया है, हमारे फरे भी बनके तैयार हो गए। अब हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लेते हैं और इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इस एक बार बना के खा के देखिए, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है जो आप किसी समय भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ये देखिए हमारी फरे बनके तैयार है। तो फ्रेंड देखिए हमारे फरे बनके तैयार है और इसके साथ मैंने बनाया है टमाटर और धनिया की टेस्टी चटनी। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक बार जरूर ट्राई कीजिए।